चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। हम लोग पिछले दिन तक के जो पढ़े थे उसमें अनुक्त और अधिक्रिया की कोटि में हम लोगों ने अंतर पढ़ा था कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए उसके बाद जो हम लोग काम करते हैं, टॉपिक्स देते हैं केमिस्ट्री का, जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया ये टॉपिक्स है। हम लोग समझेंगे कि जटिल अभिक्रिया क्या होता है, तो उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी होती है, जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी होती है वह सरल अभिक्रिया कहलाती है। सरल अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो, वे अभिक्रियाएं जो कई चरणों में पूरी होती है, जो कई चरणों में पूरी होती है, वे जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। वे जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। उसके नीचे एरो लिखेंगे, उसके नीचे जटिल अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। जटिल अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला क्रमागत अभिक्रिया, दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया और तीसरा पार्श्व अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जटिल अभिक्रिया के टॉपिक में हम लोग दो चीज सीखे, किसको बोलेंगे सरल अभिक्रिया, किसको बोलेंगे जटिल अभिक्रिया। तो वे सभी अभिक्रियाएं जो एक ही चरण में पूरी होती है, यानी कि एक बार अगर अभिकारक से प्रतिफल बना, एक चरण हुआ, तो एक चरण में पूरे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सरल अभिक्रिया। लेकिन वही अभिक्रियाएं कई चरणों में पूरी होती है, जैसे कि अभिकारक से बना मध्यवर्ती यौगिक और मध्यवर्ती से तब बन रहा है प्रतिफल, यानी कि ऐसे अभिक्रियाएं को हम लोग बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया का मतलब डायरेक्ट अभिकारक से प्रतिफल नहीं बनता है, यानी कि जो अगर एक ही चरण में पूरा होगा उसका नाम है सरल अभिक्रिया। जो एक से ज्यादा चरणों में, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कई चरणों में, अगर कोई कई चरणों में अभिक्रियाएं पूरी होती है वो कहलाती है जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया के तीन टाइप्स है, उसके तीन प्रकार हैं। पहला का नाम है क्रमागत अभिक्रिया, दूसरा का नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और तीसरा का नाम है पार्श्व अभिक्रिया। तो चलिए अपन लोग बारी बारी से ये तीनों के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है क्रमागत, क्या होता है उत्क्रमणीय, क्या होता है पार्श्व अभिक्रिया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देंगे, वो टॉपिक देना है क्रमागत अभिक्रिया। छोटा छोटा टॉपिक है क्रमागत अभिक्रिया। उसके बाद क्रमागत का अभिक्रिया का फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रिया जो दो चरणों में पूरी होती है, जो दो चरणों में पूरी होती है, वे क्रमागत अभिक्रिया कहलाती है। वे क्रमागत अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एरो, इसे इसे
निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है, इसे निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब उसके नीचे जो निम्नलिखित प्रकार से निरूपित करते हैं उसके नीचे लिखेंगे, ए मान लिया कि कोई यौगिक है उससे बन रहा है बी और तब जाके सी बन रहा है, यानी कि यहां से दो चरणों में क्रमागत अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जो दो चरणों में कंप्लीट होगा, मतलब कि ए हुआ आपका अभिकारक, अभिकारक से बन रहा है मध्यवर्ती, अभिकारक से क्या बन रहा है मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती से बन रहा है प्रतिफल। तो टोटल मिलाकर दो चरण हुआ, पहला चरण तो ये हुआ कि अभिकारक से बन रहा है मध्यवर्ती, ये पहला चरण, चरण नंबर फर्स्ट, और फिर बी से सी बन रहा है उसको बोलेंगे सेकेंड, यानी कि यहां हुआ दूसरा चरण। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्रमागत अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो प्रथम कोटि की वैसी अभिक्रिया। अब हम लोग समझेंगे कि प्रथम कोटि क्या होता है, तो आगे हम लोग को मिलेगा प्रथम कोटि, शून्य कोटि। तो प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रिया जो दो चरणों में पूरी होती है, जैसे कि ए से बना बी और बी से बना सी। तो अगर ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, जहां पे ए क्या है अभिकारक, बी बीच में है तो मध्यवर्ती, और सी लास्ट में है तो प्रतिफल। दो चरण का मतलब क्या, ए से बी बन रहा है ये पहला चरण, बी से सी बन रहा है ये दूसरा चरण। तो टोटल दो चरणों में पूरी होती है वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रमागत अभिक्रिया। अब उसके नीचे नेक्स्ट टॉपिक देंगे, लिखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब टॉपिक बनाया जाए उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे उत्क्रमणीय के नीचे। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से प्रतिफल, अभिकारक से प्रतिफल तथा पुनः प्रतिफल से अभिकारक, पुनः प्रतिफल से अभिकारक बनाया जा सकता है वे अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो उत्क्रमणीय का। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला सीखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो प्यारे छात्रों, वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक से प्रतिफल बनाया जा सकता है और पुनः प्रतिफल से अभिकारक बनाया जा सकता है, इसे हम लोग कैसे सूचित करेंगे। तो देखिए, मान लिया कि ए है, ये क्या है अभिकारक है, और आप कई तरह के केमिस्ट्री में ये साइन देखे होंगे, यहां से ऐसे रहता है और यहां से ऐसे रहता है। इस ऊपर वाला का मतलब हुआ कि अभिकारक से प्रतिफल बन रहा है, और फिर कुछ टाइम आने पर प्रतिफल से अभिकारक भी बन सकता है, मतलब ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि हम लोग सीखे कि ऐसा अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से प्रतिफल बने और पुनः प्रतिफल से अभिकारक बने वो कहलाता है उत्क्रमणीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर अभिकारक से प्रतिफल और फिर प्रतिफल से अभिकारक। तो टोटल मिलाकर ये हम बताना चाहते हैं कि ऐसे अभिक्रिया को उत्क्रमणीय कहते हैं। ऊपर वाला जो ये एरो बता रहा है कि ये अभिकारक से प्रतिफल बन रहा है, और ये इधर वाला एरो दिखा रहा है कि ये प्रतिफल से अभिकारक उल्टा बन रहा है, माने उल्टा। उत्क्रमणीय का मतलब उल्टा भी अभिक्रिया हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी एक जटिल अभिक्रिया है, यानी कि जटिल अभिक्रिया का ही तीन पार्ट है।
पहला हम लोग सीखे कर्मागत, दूसरा उत्क्रमणीय। अब चलिए तीसरा समझते हैं जिसका नाम है पार्श्व अभिक्रिया। तो टॉपिक देंगे पार्श्व अभिक्रिया, पार्श्व अभिक्रिया, उसके नीचे एरो देंगे। पार्श्व अभिक्रिया के नीचे लिखा जाए वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक ही साथ दो या दो से अधिक प्रतिफल देता है, दो या दो से अधिक प्रतिफल देता है, वे पार्श्व अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एरो देंगे पार्श्व अभिक्रिया का, सेकेंड एरो लिखेंगे इस अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है, इस अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। चलिए अब जरा हम लोग समझते हैं पार्श्व अभिक्रिया को। प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़े क्रमागत। क्रमागत का मतलब कोई भी अभिक्रिया अगर दो चरण में पूरा होगा, अभिकारक से मध्यवर्ती, मध्यवर्ती से प्रतिफल, वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा हम लोगों का क्रमागत अभिक्रिया। दूसरा का नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक से प्रतिफल और फिर प्रतिफल से अभिकारक बनता हो, वो कहलाता है उत्क्रमणीय। अब हम लोग आते हैं पार्श्व अभिक्रिया। अब पार्श्व में क्या होता है, इसको किस प्रकार से सूचित किया जाता है? अगर मान लीजिए कि कोई ए है जिसका नाम है अभिकारक के तौर पे, पार्श्व में जो लिया जाता है वो अभिकारक एक ही रहेगा, लेकिन इसी अभिकारक से एक प्रतिफल और दूसरा प्रतिफल भी बन सकता है। मतलब कि पार्श्व अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक एक रहेगा, लेकिन एक ही अभिकारक के साथ साथ दो या दो से अधिक प्रतिफल बन सकता है। अगर मान लिया कि ए एक अभिकारक है, एक बी भी प्रतिफल बन रहा है, प्रतिफल के रूप में बी बन रहा है, और सी भी प्रतिफल के रूप में बन रहा है। मतलब कि अभिकारक एक ही ठो है, लेकिन प्रतिफल दो या दो से ज्यादा बन रहा है। या ऐसा केस हो सकता है कि ए एक प्रतिफल है जिससे तीन तरह का प्रतिफल बन रहा है, बी सी डी, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पार्श्व अभिक्रिया। यानी कि वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक के साथ साथ दो या दो से अधिक, यानी कि ये चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, लेकिन अभिकारक एक ही रहेगा, और एक से ज्यादा अगर हमें प्रतिफल देता, सॉरी दो या दो से ज्यादा, यानी कि यहां पे तो तीन है, तो इसको भी पार्श्व बोलेंगे। तो आप इसको भी लिख लेंगे या करके इसको लिखेंगे। अब कुछ इसका एग्जाम्पल में लिखते हैं कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल, यदि ब्रोमो बेंजीन को नाइट्रेशन किया जाए तो पार्श्व अभिक्रिया होता है। अब चलिए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल ये तो था कि किस प्रकार से हम लोग उसको सूचित करते हैं, किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग आइए सीखते हैं
कि यदि ब्रोमोबेंजीन को नाइट्रेशन किया जाए तो पार्श्व अभिक्रिया कैसे होगा। पार्श्व अभिक्रिया का एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, ये दोनों लिख लीजिएगा उसके नीचे एग्जाम्पल। ये तो किस प्रकार निरूपित करते हैं ये सवाल था। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या है, यदि ब्रोमो बेंजीन बेंजीन समझते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस शेप का, ये बेंजीन हुआ, इसको पढ़ते हैं बेंजीन, यहां पे डबल बॉन्ड है, एक एक छोड़ कर देते हैं, इसको बोला जाता है सिर्फ बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप टेंथ क्लास में पढ़े हो, ये बेंजीन है। और बेंजीन के किसी एक कार्बन से, चूंकि यहां पे जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे कार्बन का एटम है, यहां पे जो है कार्बन का एटम है, और किसी कार्बन से अगर ब्रोमीन यानी कि बीआर को अगर जोड़ देंगे तब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन यानी कि अब ये बेंजीन के एक कार्बन से अगर ब्रोमीन को जोड़ देंगे तब ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन। अब इसका क्या कराना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब जैसे कार्बन ऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, अस होता है, NO2 फार्मूला होता है नाइट्रेशन का। यानी ये जो काम हो रहा है ये NO2, इसी को हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रेशन। इसका नाइट्रेशन करना है, नाइट्रेशन का मतलब NO2 को जोड़ना है। तो NO2 को जोड़ना है तो यहां से हमें तीन तरह का प्रोडक्ट मिलता है, तीन तरह का। अब जरा समझते हैं कि ये तीन तरह का प्रोडक्ट क्या है। अभी तक के समझ में आया ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रेशन का मतलब क्या, NO2, नाइट्रेशन का मतलब NO2। अब ये जो है इसके प्रेजेंट में, इसके उपस्थिति में करेंगे तो तीन तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, और जब तीन तरह का प्रोडक्ट मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि इसमें हो रहा है पार्श्व अभिक्रिया। चलिए अब तीन तरह का क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो चलिए यहां तो जो ब्रोमोबेंजीन है वो ब्रोमोबेंजीन सब में बना देना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब में ब्रोमोबेंजीन, यहां पे जोड़ देंगे BR तो अब हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब फिर से अगर हम लोग इसको अगर ऐसे ऐड करते हैं तो अभी भी हो गया ब्रोमोबेंजीन, यानी इसको छोटा तौर पे बना रहे हैं, अभी भी हो गया क्या ये ब्रोमोबेंजीन। सब में बनेगा ब्रोमोबेंजीन ही, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीन को प्रतिफल बन रहे हैं ब्रोमोबेंजीन। अब ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रेशन यानी कि NO3 जो है अब की बार जोड़ेगा ऑर्थो पे NO2, तो यहां से कार्बन बैक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि NO2 यहां पे जो कार्बन का संख्या है वो कितना बनेगा, तो कार्बन का संख्या चूंकि 1, 2, 3 और 4, ठीक है 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी कि सब में अब की हम लोग यहां पे जोड़ेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रेशन, अब की बार यहां पे जोड़ेंगे NO2 और अब की बार जोड़ेंगे यहां पे NO2। सबका मीनिंग समझते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, इसको बोलते हैं मेटा ब्रोमो बेंजीन, और इसको बोलते हैं ऑर्थोमेटा पारा, पैरा भी लिखते हैं कहीं कहीं, पारा भी लिखते हैं, ऑर्थोमेटा पारा, तो पैरा ब्रोमो बेंजीन। अब ये आपको समझ नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि ये सब हम लोग सीखेंगे कार्बनिक रसायन में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये सब सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि एक ब्रोमो बेंजीन है, यानी कि बेंजीन रिंग से ब्रोमीन को जोड़ देंगे तो वो कहलाता है ब्रोमो बेंजीन। अब नाइट्रेशन करना है का मतलब क्या, कि NO2 के उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा, तो अब ये तीन का मतलब क्या है। बहुत सारे छात्रों का यह सवाल होगा कि सर हम यहां NO2 जोड़े, यहां NO2 जोड़े, बात तो बराबर है, नहीं। सबसे पहले हम लोग बेंजीन को समझते हैं, अगर मान लिया जाए ये बेंजीन है आपका
और सब बेंजीन, ये बेंजीन है और बेंजीन का नाम होता है, यहां से शुरू होता है, इस कार्बन से शुरू होता है और ऐसे चलता है, इसका नाम होता है ऑर्थो, ओ आर टी एच ओ, ऑर्थो। इस कार्बन का नाम होता है मेटा, मेटा, और इस नीचे वाला को होता है नाम पैरा। इस कार्बन से स्टार्ट होता है नीचे की तरफ, इसका नाम होता है ऑर्थो, इसका नाम होता है मेटा, इसका नाम होता है पैरा। अब कोई बोला कि सर यहां से जब इधर चल रहा है तो इसका नाम क्या होगा, तो मेटा ही नाम होगा ना, क्योंकि यहां मेटा है तो इसके सामने क्या होगा, मेटा। फिर इसके सामने इसका भी हो जाएगा ऑर्थो, और ये इसके सामने तो इसका हो जाएगा पैरा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें तीन नाम होते हैं बेंजीन में, एक होता है ऑर्थो, एक होता है मेटा, एक होता है पैरा। अब ऑर्थो किसको बोलेंगे, तो इस कार्बन के जगह को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, यानी कि यहां इस कार्बन के बेंजीन रिंग में ये हुआ ऑर्थो, ये हुआ मेटा, और ये हुआ पैरा, ये हुआ मेटा, ये हुआ ऑर्थो, और ये हुआ खुद का पैरा। लेकिन हम लोग चलते हैं इधर से, यानी कि यहां पे ब्रोमीन अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोगों का जो प्रतिफल बनना शुरू होगा या तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, क्योंकि यहां से हम लोग राइट साइड में तरफ चलते हैं, इधर से इधर ऐसे नहीं, तो यहां से जब चलेंगे तो NO2 कहां कहां जुड़ना शुरू होगा, तो पहला प्रोडक्ट में, पहला प्रतिफल में ये ऑर्थो पे जुड़ा, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो, क्या क्या बन रहा है, तो ब्रोमो बेंजीन, यानी इसका पूरा नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो पे बन रहा है तो ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन नहीं, ये NO2 का नाम होगा, तो सब में जोड़ दीजिएगा ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रो यहां पे जुड़ना भूल गए थे, यहां पे नाइट्रो क्यों, क्योंकि NO2 का नाम, जैसे मेटा यहां पे जोड़ देंगे नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो कुल मिलाकर हम लोग देखिए कि जब ये अभिक्रिया करना शुरू करेगा तो कुल मिलाकर कितना अभिक्रिया शुरू करेगा, तो पहले ऑर्थो से जुड़ेगा, यानी कि ये ऑर्थो पोजिशन है, तो ऑर्थो पे जुड़ा NO2, उसके बाद मेटा पे जुड़ा, ये हुआ मेटा, और नीचे वाला होता है पैरा, तो नीचे वाला पैरा। तब आपका सवाल होगा कि सर एक और भी तो बना सकते हैं, फिर यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, फिर यहां पे तो जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, तो प्रतिफल तो वही ना हुआ, आखिर यहां पे जोड़ेंगे तब तो मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन ही ना बनेगा, तो इसलिए तीन ही हम लोग यहां पे प्रोडक्ट बनाते हैं। और याद रहे यहां पे नाइट्रो जोड़ लेंगे, क्यों नाइट्रो, क्योंकि इस NO2 का नाम होता है NO2, और बाकी ब्रोमो बेंजीन, ये गलती से छूट गया था, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, चूंकि ऑर्थो पे जुट रहा है, इसका पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो, तो ऑर्थो, उसके बाद इसका नाम जो जुड़ रहा है नाइट्रो, ऑर्थो पे क्या जुड़ रहा है, तो नाइट्रो, तो ऑर्थो नाइट्रो, और ब्रोमो बेंजीन पूरा का नाम है। अब की नाइट्रो जो है कहां पे जुड़ रहा है, मेटा पे, तो मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन एक साथ ले लीजिएगा। और अब की बार कहां जुड़ रहा है, तो ये पैरा पे जुड़ रहा है, और पैरा पर का मतलब क्या कि नीचे, तो ये पैरा पे जुड़ रहा है नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो याद रहे इसमें तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझाए कि एक ब्रोमो बेंजीन का अगर नाइट्रेशन किया जाए तो एक पार्श्व अभिक्रिया है, क्योंकि अभी हम लोग पार्श्व अभिक्रिया में पढ़े कि एक अभिकारक रहेगा तो एक ही अभिकारक से दो से अधिक प्रतिफल बन सकता है, तो यहां पर दो से अधिक प्रतिफल बन रहे, इसका मतलब क्या है, ये पार्श्व अभिक्रिया है। तो इसको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखें कि जटिल अभिक्रिया क्या होती है, सरल अभिक्रिया क्या होती है, जटिल अभिक्रिया के कितने टाइप्स हैं, उस सभी टाइप्स को डिस्कस किया, मींस दैट कि क्रमागत अभिक्रिया क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, पार्श्व अभिक्रिया क्या है, सबको किस तरह से निरूपित किया जा सकता है, उसका एग्जाम्पल को देखें हम लोग। तो बिल्कुल सबको आप सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप नोट करेंगे इसको, ताकि हम लोग का एक अच्छा खासा नोट्स बन सके जिसमें सब कुछ लिखा हुआ रहे। तो आज तक के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और आगे की क्लास में इसके बाद जो है वो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।